हेलो दोस्तों, वेलकम टू कुक इट यार। आज हम बनाएंगे महाराष्ट्र की फेमस रेसिपी मिसल। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। पैन में मैंने लिया है एक चम्मच तेल और उसमें मैं डाल रही हूँ आधी कटोरी ग्रेटेड नारियल। उसे मैं अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई कर दूंगी। फ्राई किया हुआ नारियल बाजू में रख देना। एक बर्तन में मैंने लिया है 2 कप मोड़ाई हुई मटकी। उसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच नमक, 1 कप पानी और उसे बॉईल करने रख रही हूँ। उसे मैं 5 मिनट तक बॉईल कर दूंगी। उसी पैन में मैं ले रही हूँ 2 चम्मच तेल। तेल की क्वांटिटी आप ज़्यादा कम कर सकते हो। 8-10 कलियाँ लहसुन की, थोड़ी सी दालचीनी, 10-14 काली मिर्च, 1 इंच अदरक, 1/4 चम्मच सौंफ। थोड़ी भुनने के बाद डाल रही हूँ 2 कटे हुए प्याज। उसे अच्छे से भूनने के बाद डाल देना 2 कटे हुए टमाटर। सब चीज़ों को अच्छे से भूनना। ठंडा होने के लिए साइड में रख देना। ठंडा होने के बाद मिक्सर में भुना हुआ नारियल भी उसके साथ और 1/2 कप पानी डाल के मैं उसे अच्छे से ग्राइंड कर दूंगी। उसी पैन में मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच तेल, 1 चम्मच राई। राई तड़कने के बाद डाल देना उसमें 1 चम्मच जीरा, 15-20 कड़ी पत्ते, 1/2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर या कश्मीरी पाउडर भी आप डाल सकते हो, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल के उसे थोड़ा सा भुनने के बाद जो पेस्ट हमने बनाया वो उसमें मिला देना। उसमें 1/2 चम्मच नमक डाल के हम अच्छे से भूनेंगे। जैसे ही उसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो जाए और तेल छूटने लगे तभी उसमें 2 कप पानी मिला देना और अच्छे से 5 मिनट तक पका देना।
उसमें हम अब ऐड करेंगे हमारी बॉईल की हुई मटकी और 5 मिनट तक उसे अच्छे से पकाएंगे। लो हो गई हमारी मिसल तैयार। उसे हम पाव या ब्रेड के साथ खा सकते हैं। उसे हम कुछ इस तरह से सर्व कर देंगे। एक प्लेट में ले लेंगे हमारी तैयार की हुई मिसल। उस पे हम डालेंगे थोड़ा नमकीन, उसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, नींबू और धनिया। ये बहुत टेस्टी और चटपटी लगती है। आप इसे बनाइएगा। इसे खाके आप होटल के मिसल की भी टेस्ट भूल जाओगे। जल्दी से बनाइएगा, खाइएगा और मुझे बताइएगा कि मिसल कैसे बनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। कुक इट यार, इट्स सिंपल।